अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। इसके लिए हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे वालदे मोहतरम होती है ना, वो भी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन जो वालद का लेवल होता है ना, वो एक डिफरेंट लेवल है, इसे हम बयान नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा हमें लग रहा था जैसे हमारे वालदे मोहतरम बहुत ज्यादा हमारे साथ सख्त रवैया अख्तियार कर रहे हैं, हमसे प्यार नहीं करते, हमारी वालदा हमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन हमें पता नहीं है जो वालद का पीछे से, जो वालद का हमें कंधा दे के रखते हैं, जिनके जो पीछे से हमें उठा के रखते हैं, उनका एक लेवल डिफरेंट है। क्योंकि इंसान है ना, मर्द है ना, एक अगर उनमें उनमें वो गुस्सा और रोब ना हो, वालिद अब्बू जी कैसे एक नफीस लफ्ज़ है, कैसे यानी कि हो। इसके लिए जब हमारी वालदा मोहतरम होती है ना, हमें समझा रही होती है बिठा के कि बेटा आपने रात को टाइम ज्यादा बाहर नहीं जाना, बेटा आपने इन दोस्तों के साथ नहीं मिलना, आपने अच्छी यानी कि अच्छी गुफ्तगू करनी है, इस तरह की चीजें समझा रही होती है। हमारे एक लेवल अब अपर हो गया थोड़ा सा, हमने क्या करना है, हमने खुद अपने आप को सामने आईने के सामने बिठा के वैसे एक चेयर पे बैठ के हमने अपने आप को समझाना है कि हमने अपने दिमाग से जो गलत आइडियाज हैं, अगर हम स्मोकिंग करते हैं ये स्मोकिंग गलत चीज है, इसे कैसे छोड़ना है, अगर हम किसी की गिबत करते हैं इसे कैसे छोड़ना है, या हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं ना, हमने खुद उसे छोड़नी है। हमें खुद पता होता है हर चीज का कि हम गलत कर रहे हैं। इंसान कामयाब कब होता है, जब मान लेते हैं कि हाँ ये मुझ में गलती है, मैं सिलेंडर करता हूँ, मैं अल्लाह ताला के आगे सिलेंडर करता हूँ, मैं खुद अपने आप के आगे सिलेंडर करता हूँ। क्योंकि इंसान धोखा किसे देता है, अपने आप को। मुझे बताएं, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं घर वालों से छुपके, घर वालों का आपके अब्बू का क्या, सिर्फ पैसा जाया हो रहा है, तो जान किसकी जाया हो रही है आपकी अपनी, आप नुकसान किसे पहुंचा रहे हो अपने आप को, इसी तरह शराब पीते हो अपने आप को। देखिए हम बेसिकली क्या करें, हमें बड़े अच्छा काम कर दिया, वालद साहब से, वालद मोहतरम, वालदा मोहतरम से, बड़े भाई से छुपे में सिगरेट पी ली, पता नहीं नुकसान अपने आप का कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, नुकसान अपने आप का कर रहे होते हैं, अपने आप का फायदा कर रहे होते हैं, हम किसी का फायदा नहीं कर रहे होते। देखिए अगर आप नेकी करते हैं, पीछे तो अल्लाह ताला की जात ने आपको सिला देना ना, इसी वजह से हमने खुद ये खुद डिसाइड कर लेना है। हमें जरूरत नहीं है बड़े बड़े लोगों के पास जाके बैठने की, हमने ये जो छोटी छोटी चीजें ये पहले खुद सीखनी है। क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों के पास जाके कब बैठेंगे, जब हम अपने आप को पहले इतना इतना काबिल कर लेंगे कि हमें पता चलेगा हाँ वो बहुत अच्छे लोग हैं। आज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जो गुजर गए, अल्लाह ताला की जात उनके दर्जात बुलंद करे, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के वो बहुत आज के रसूल थे। पहले हम अपने आप को इसने इतने काबिल तो बनाए कि हम उनकी महफिलों में जाके बैठ सके। इसी तरह ही हमने ये जो ना गलत रवैये हमारे हैं, हमारी जो गलत आदतें हैं, ये हमें खुद छोड़नी है। हमें पता होगा हमने कैसे छोड़नी है। इसलिए जब हम खुद अपने आप हम देखेंगे ना, हमारे अंदर ये आते हैं, मैंने इस तरह छोड़नी है। ये आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं 21 दिन, ये जो रिसर्च की जाती है कहते हैं 21 दिन के अंदर आते हैं इंसान छोड़ सकता है, एक में आता है कि 38 दिन के अंदर, एक में आता है 60 दिन के अंदर। बेसिकली ये मुख्तलिफ लोगों पर तजर्बे किए जाते हैं, क्योंकि जो एवरेज निकलती है वो कहा जाता है इतने दिन के अंदर इंसान अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं, कुछ लोग 90 दिन कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ, या कासिम अली शाह साहब जो कह रहे थे, या और मोटिवेशनल स्पीकर जो कह रहे होते हैं, वो कुछ इस तरह कहते हैं कि जब इंसान का इरादा बन जाता है, जब इंसान एक चीज का अजम कर लेते हैं, देन वो चीज गंदी आते बुरी आते छोड़ देते हैं। वो उसके लिए सिर्फ एक डिसीजन चाहिए होता है, ख्वाहिश नहीं। मैं कहता हूँ हर, ये देखे बड़ी मजे की बात है, हर बंदे को ख्वाहिश है अमीर होने की, हर बंदे को ख्वाहिश है मेरे पास लग्जरी कार्स हो, हर बंदे को ख्वाहिश है लोग मुझे हाजी साहब आके कहें। लेकिन कहते कि नहीं, जो मेहनत करते हैं, जो अपनी कश्तियां पीछे जला देते हैं, जो नाकामी वाली कश्तियां जला देते हैं, जो नाकामियों को अपनी सीढ़ियां बना बना के कामयाब बन जाते हैं, वो कामयाब होते हैं। उनके पास कोठिये बंगले सोसाइटी में नाम उनके पास होते हैं, उनके पास नहीं जिनके पास ख्वाहिशात होती है। इसी तरह हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हम पूरा काम छोड़ दें, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते, फैसला नहीं ले पाते। इसकी यही वजूहात है, हमने फैसला लेना ना, फिर मुड़ के नहीं देखना। ये अल्लाह ताला की जात वेल पावर देती है इंसान को, इंसानों को बहुत बड़ी वेल पावर होती है। एक दफा डिसीजन कर लिया मैंने काम नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, फिर आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन फैसला अपना नहीं चेंज करते, ये इंसान बहुत आगे जाते हैं। यही इंसान जब अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते हैं तो
एक बार दुनिया को बता देते हैं कि मैंने ये काम करना है। अगेन खादिम हुसैन रिज़वी साहब आज के रसूल जब जब बात आई हर जगह निकले, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने पावर दे दी थी, उनमें एक इश्क आ गया था, उन्होंने वो समझ गए थे इस दुनिया को। इसी तरह जब हमने एक डिसीजन कर लेना, फिर हमने ये नहीं देखना चल थोड़ा थोड़ा यार चल इतना कर दे, थोड़ा मुड़ के देख लो, थोड़ा सैडल हो गया इतना मुड़ के देख लो, फिर ये काम ही हमने करना कि मुड़ के देखने वाला काम बस, फिर कश्तियां जला दी आगे से आगे जाते हैं, क्योंकि फिर इंसान फतह करता जाता है हर चीज। इसी तरह हमने अपने अपने खुद एक लम्हे के अंदर इंसान चेंज होता है, जब एक सोच आ जाती है उसी टाइम डिसीजन लेकर उस पर पक्का हो जाता है ना, इंसान अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देते हैं, लोग से हसद करना, ये छोटी छोटी चीजें जो हम आम बिल्कुल हर बंदा बोल रहा था, ये वो चीजें हैं, स्मोकिंग करना, किसी की बुराई कर देना, किसी से जेलस होना, ये सारा की ये तो फिर है ना, आपको भी पता है कि आपके अंदर क्या बुराई है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या बुराई है, तो हमने सबने मिलकर ये बुराइयों को खत्म करना है। क्योंकि हर हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, हमने पॉजिटिव रुख को लेके जाना है, हमने पॉजिटिव साइड को लेके जाना है। इसी तरह ही ना आप इतनी एबिलिटी आ जाएगी इजीली, जब आप अपने आप खुद ब खुद देखो, जब आप ना एक एक आपको पता चल जाएगा ना, 30-40 दिन एक काम करते रहेंगे ना मुसलसल कि ये मैंने बुरा काम छोड़ दिया, नहीं करना, इससे ज्यादा दिन हो जाएंगे ना, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये काम बेकार था, शुक्र है मैंने छोड़ दिया, लेकिन आपने पहले डिसीजन बेस्ट ले लिया था ना, आपने पक्का इरादा कर लिया, फिर आपको अपने अपने दोस्तों की महफिलें छोड़नी पड़े, बेशक आपको अपना बॉस छोड़ना पड़े, बेशक आपको अपने यानी कि बहुत अजीज रिश्तेदार छोड़ने पड़े, छोड़ दो फिर, क्योंकि फिर आपने एक अजीम इंसान की तरफ जा रहे हैं, वो रिश्तेदार जो आपको गलत कामों की तरफ लगा रहे हैं, चर्च की तरफ लगा रहे थे, लोगों का दिल दुखाने की तरफ लगा रहे थे, लोगों के घर जलाने की तरफ लगा रहे थे, बुराई की तरफ लगा रहे थे, लोगों को दो नंबर चीजें देने में लगा रहे थे। आप देखो अगर आप बुराई आप तन्हाई में ये काम करो, तन्हाई छोड़ दो आप, आप देखो जब आपके दिन में इस तरह ख्याल आए, अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ, अपनी फैमिली के पास चले जाओ, अपने अच्छे दोस्तों के पास चले जाओ, बुरे दोस्तों के पास नहीं, अच्छे दोस्तों के पास, जो आपको शाबाश कहे क्योंकि बहुत अच्छा किया आप मेरे पास आ गए, यार हम अच्छी बात करते हैं, हम कुरान पाक ही पढ़ते हैं, हम नबी अकरम सल्लम की हदीसें पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला की जात का नाम लेते हैं, चलो इस तरह करते हैं, हम बिजनेस की बात करते हैं, हम छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह के दोस्त जो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की तरफ ले जाए, इस तरह के दोस्त, इस तरह के उस्तादों के पास चले जाए, फिर हम ये हमने खुद स्टेप एक स्टेप लेना है और एक फैसला लेना है आपने, ये दुनिया को बदल के रख दो, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं ना होंगे, ये दुनिया वाले आपको पैसे नहीं देंगे, बल्कि आपसे और पैसे आपको भी नोच के खा जाएंगे, पैसे क्या इन्होंने आपसे खींचने हैं, आपने खुद बताना है ये सब कुछ। देखिए जो मोहम्मद बिन कासिम, कासिम अली शाह साहब, शेख आतिफ, ये बिल गेट, ये क्या कहते हैं, और ये जो पाकिस्तान में आजकल बिजनेसमैन बहुत, ये मलक रियाज, बिल्कुल इनकी शख्सियात तो बेशक और है, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने फिर लोगों की बातों पर अमल किया, लोगों के पीछे नहीं भरे, खुद लीडर बनते गए, खुद लीड करते गए सबको। देखिए ना आज एक नाम बना हुआ है, ये नहीं कहता दीन में वो कितने अच्छे हैं दुनिया में, लेकिन एक नाम बन गया है दुनिया में। हमने कैसा नाम बनाना है, खादिम हुसैन रिज़वी साहब का, जैसे खादिम हुसैन रिज़वी साहब का नाम बना हुआ वैसा हमने नाम बनाना है। इंशाल्लाह ताला आज के बाद हम बिल्कुल इजीली बुरी आदत छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक हम खुद अपने अंदर झांक के नहीं ना देखेंगे हमारे अंदर कौन कौन सी बुराई है, मैंने कौन कौन सी बुराई खत्म करनी है, मैंने जड़ से उखाड़ के फेंक देनी है, मैंने देखिए आप बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। अल्लाह ताला के साथ जुनेद जमशेद के दर्जात बुलंद करे, बहुत अजीज थे हमारे, देखिए वो सिंगर थे लेकिन छोड़ दी ना, डिसीजन लिया फिर वापस नहीं मुड़ के देखा, ये एग्जांपल है जुनेद जमशेद साहब। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी डॉक्टरेट छोड़ दी, पीछे मुड़ के नहीं देखा, अल्लाह ताला के साथ ऐसी ऐसी कामयाबियां थी, आपके सामने एग्जाम्पल है। इंशाल्लाह ताला आप इन लोगों को भी माइंड में रखेंगे, जुनेद जमशेद साहब को, मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब को, तारिक जमील साहब को, इंशाल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला की ज़ात हमें अल्लाह ताला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, कर डालो हर चीज़ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।